नमस्कार, मैं हूँ यामिनी तनवर। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आपको याद होगा साल 1993 में एक बॉलीवुड फिल्म बनी थी जिसका नाम था दामिनी। इस फिल्म की कहानी एक रेप पीड़िता पर आधारित थी जिसके साथ गैंग रेप होता है, फिर इंसाफ मांगते मांगते वो दम तोड़ देती है और वकील साहब की दलीलों में केस उलझा रहता है। जी हाँ, आज फिल्म बने 27 वर्ष बीत चुके हैं, इंसाफ तो इस देश में आज भी नहीं मिल पाता। अब हम बात करें निर्भया कांड की। तारीख पे तारीख चलने का सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 23 साल की मेडिकल स्टूडेंट के साथ 2012 में चलती बस में दुष्कर्म, उसके बाद बेरहमी से हत्या के जिम्मेदार दया याचिका की मांग कर रहे हैं। चारों आरोपी फांसी से पहले अपनी पिटीशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह दया याचिका खारिज करके उनकी फांसी पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आखिर इंसाफ कब? 2012 में हुए गैंग रेप के अपराधी अभी तक सांस ले रहे हैं। ये तीसरी बार है कि उनकी फांसी को टाला गया है। 6 अपराधियों में से एक, जिसका नाम राम सिंह था, वह 2013 में जेल में ही आत्महत्या कर चुका है। वहीं दूसरा अपराधी नाबालिग होने के चलते 3 साल सुधारगृह घर में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया गया, बल्कि 4 आरोपी बचने के लिए हर रोज अदालत का समय बर्बाद करने में लगे हैं। 2012 में हुए निर्भया केस के सभी आरोपियों को 2013 में 11 मार्च को तिहाड़ जेल भेजा गया। सितंबर 2013 में हुई सुनवाई में सभी आरोपी दोषी पाए गए, जिसके बाद 13 मार्च 2014 को फांसी देने का फैसला आया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ तारीख पे तारीख का, जिसमें दोषियों के वकीलों ने दलीलें देना बंद नहीं किया। हर वो कोशिश की गई जिससे दोषी बचाया जा सके। इसके बाद आरोपियों की अपील को 18 दिसंबर 2019 में रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 7 जनवरी 2020 में फिर से दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हुआ, जिसमें फांसी की तारीख 3 मार्च 2020 पक्की हुई। लेकिन दोषियों का केस लड़ रहे वकील हार कहां मानने वाले थे? वकालत की ढाल से बार बार दोषियों को बचाया जा रहा था। इसके बाद 17 जनवरी 2020 को एक और डेथ वारंट जारी किया गया था, जिसमें दोषियों को फांसी 1 फरवरी को दी जानी थी। सुनवाई और फांसी की तारीखों पे इतने बदलाव हुए कि देखते देखते 7 साल बीत गए, लेकिन इंसाफ पे आज भी प्रश्न चिन्ह है कि अगर एक ही केस को सॉल्व होने में 7 साल लगते हैं तो गुनहगारों में कानून और न्याय का खौफ नहीं रहेगा। इसलिए आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और इंसाफ मिलने के मामले थमे से दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 2013 में 33,707 रेप केस फाइल हुए, 2014 में 26,735, 2015 में 34,651, और आए साल ये आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। देश की जनता का न्याय व्यवस्था से यही एक सवाल है, आखिर कब तक देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा या इंसाफ सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाएगा? तो ये थी निर्भया रेप केस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैं यामिनी तनवर, बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।